सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड को प्रमोट करने को लेकर के। आखिर में 2018 बैच और 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं 18 बैच का प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका 2 साल का, और इसके अलावा जो डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका भी 6 अगस्त को 1 साल कंप्लीट हो जा रहा है, उनका तो अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो आखिर में आप लोगों के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? और ऐसा नहीं कि आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, बल्कि आप लोग की आवाज कोई सुन नहीं रहा है। इसके अलावा पीएनपी आखिर में क्या कर रही है? दोस्तों, इन सभी चीजों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा और सब परीक्षाएं हो सकती हैं, तो आपकी परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड के छात्रों ने कोरोना महामारी में सरकार से की प्रमोट करने की अपील। दोस्तों, इस तरीके से जो महामारी चल रही है, इसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप लोग के एग्जाम लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है इस समय। लेकिन कम से कम सरकार को कोई तो डिसीजन लेना चाहिए, पीएनपी को कोई तो डिसीजन लेना चाहिए। और पीएनपी, दोस्तों, ऑलरेडी हमने आपको न्यूज के माध्यम से ये चीज बताई थी कि पीएनपी की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन को एक लेटर लिखा गया है, एक प्रार्थना पत्र लिखा गया, उसमें ये चीज लिखी गई है कि आप लोगों को प्रमोट किया जाए। तो सरकार की तरफ से कोई आदेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है कि हाँ, हम प्रमोट करेंगे डीएलएड के प्रशिक्षुओं को? दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे गए थे उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 28 जुलाई की न्यूज है ये, और आज है 31 जुलाई। तो ये न्यूज है अयोध्या की। डीएलएड 2019 बैच का प्रथम सेमेस्टर 6 फरवरी 2020 और 2018 बैच का तृतीय सेमेस्टर 5 जनवरी 2020 को ही पूरा हो चुका है, परंतु कोरोना महामारी के चलते अभी तक परीक्षा कराना संभव नहीं हो पा रहा है या संभव नहीं हो सका है, जिससे 2018 बैच और 2019 बैच का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसित हो रहा है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी और सुरेश वर्मा डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश 2018 परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को पूर्व में लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, किंतु महोदय ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन पूर्व ही शिक्षा मंत्री जी की ओर से अंतिम वर्ष को छोड़कर के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा बीएड के अन्य वर्षों को प्रोन्नत कर दिया है, परंतु हम डीएलएड प्रशिक्षुओं पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए हमारे साथ पक्षपात किया है, जिससे हम सभी प्रशिक्षुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम डीएलएड 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर पढ़े या फिर सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करें, और 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर पढ़े या फिर चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करें। अतः हम सबका आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2018 बैच को अति शीघ्र प्रोन्नत कर डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर और डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की योजना बनाई जाए, जिससे कि हमारा प्रशिक्षण उचित समय से पूरा हो सके। जो आप लोग लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम, आखिर में हम लोग कौन सा सेमेस्टर पढ़े, तो यही सब बातें प्रशिक्षुओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी तक पहुंचाई कि आखिर में हम लोग क्या करें। जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े या फिर सेकेंड सेमेस्टर पढ़े, सेम यही चीज 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के साथ है, वो अपना थर्ड सेमेस्टर पढ़े या फिर फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करें। तो आप लोगों ने इंटर्नशिप से संबंधित भी न्यूज ला दी, यानी कि आप लोग इंटर्नशिप भी करवा रहे हो फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि हम लोग के एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे, हम लोग क्या करें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कोई ठोस निर्णय नहीं आ रहा है डीएलएड को लेकर। सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे जब आपने डीएलएड के बराबर ही बीएड को भी ला करके खड़ा कर दिया, बीएड के प्रशिक्षु भी अब प्राइमरी का टेट दे रहे हैं, प्राइमरी की वैकेंसी में शामिल हो रहे हैं, तो जब बीएड और बीटीसी को आपने एक ही तराजू पर रख दिया है, तो इस तरीके से तो आपको, अगर आप बीएड को प्रमोट कर रहे हो तो डीएलएड को भी प्रमोट करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों निश्चित रूप से, इसीलिए यहाँ पर बच्चों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। तो ये चीज आप लोगों तक भी पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोगों की आवाज उठ नहीं रही, आप लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए,
लेकिन दोस्तों स्पष्ट रूप से कोई भी आगे नहीं आ रहा है इसको लेकर के, ना तो पीएनपी की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से, कि आखिर में आप लोग के भविष्य को लेकर के क्या निर्णय लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर वही चीज, फिर वही न्यूज है कि अयोध्या की ही देखिए, यहाँ पर ही दूसरे न्यूज़पेपर में निकला था कि यहाँ पर भी बच्चों ने वही मांग की है कि हमें प्रमोट किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि क्या कोई परीक्षा हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आगामी 9 अगस्त 2020 को बीएड प्रवेश परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा आज ही की न्यूज है 31 जुलाई, आप देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि निरस्त हो गई थी वो अब होने वाली है 16 अगस्त को, आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इस महामारी में परीक्षाएं नहीं आयोजित हो रही, निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं और सरकार करवाएगी भी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर परीक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, हर परीक्षा जो स्थगित हुई थी उसको भी सरकार करवा रही है। तो क्या डीएलएड के प्रशिक्षुओं पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? आखिर में आप लोग के भविष्य के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात अगर मैं 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की करूं तो आगामी कुछ समय में जूनियर की वैकेंसीज आने वाली हैं, एडेड जूनियर की वैकेंसीज आने वाली हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूलों की। तो अगर प्रशिक्षुओं का डीएलएड नहीं कंप्लीट रहेगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। भले ही आपने टीईटी उत्तीर्ण कर लिया है, यूपीटेट उत्तीर्ण कर लिया है, सीटेट उत्तीर्ण कर लिया है, लेकिन अगर आपने अपना प्रशिक्षण नहीं कंप्लीट किया समय पर तो आप वैकेंसीज में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग का डीएलएड का जो कोर्स है वो कंप्लीट रहे 2 साल का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो एग्जाम करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया था यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो अंतिम वर्ष है और अंतिम सेमेस्टर है उनकी परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी। तो अगर हम डीएलएड की बात करें तो ना तो 18 बैच का लास्ट सेमेस्टर था, ना ही 19 बैच का लास्ट सेमेस्टर था, किसी का भी लास्ट सेमेस्टर नहीं था। आप लोगों को प्रमोट करना बहुत ईजी था पीएनपी के लिए, लेकिन पीएनपी ने भी दोस्तों अपनी तरफ से सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया, तो हम पीएनपी को भी पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है ताकि अगले कोर्सों की पढ़ाई में विलंब ना हो। यह बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल जवाब में कहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में याचिका पड़ी थी कि कोरोना महामारी में इस तरीके से बच्चों के एग्जाम ना लिए जाएं, क्योंकि महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मामला कोर्ट में है। कोरोना के मद्देनजर परीक्षाएं करवाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अदालत ने यूजीसी से जवाब मांगा था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिकाओं में छात्रों के स्वास्थ्य हित को लेकर परीक्षाएं आयोजित नहीं करने और 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने की मांग की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोस्तों इतना आसान नहीं है अंतिम वर्ष की भी परीक्षा लेना। तो जब इतनी मुश्किलें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी परीक्षाएं तो इतना इजी तो नहीं है कि हो जाए, लेकिन कम से कम प्रमोट तो आप लोगों को किया जा सकता है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर इस तरीके से महामारी आई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए पीएनपी को। अब देखिए क्या निर्णय आता है, निश्चित रूप से जो भी निर्णय आएगा वो आप लोग के हित में होगा और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही कोई निर्णय आएगा। दोस्तों लगातार आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि मैम प्लीज परीक्षा से रिलेटेड कोई न्यूज हो तो बताइए। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग भी निराश हो जाते हैं जब इस तरीके से आप लोगों के लिए कोई न्यूज नहीं आती। आखिर में आप लोग भी 2 साल का प्रशिक्षण ले रहे हो और आप लोग तो 4-4 बार टीचिंग करते हो, 4-4 सेमेस्टर होता है, 4-4 बार आप इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम देते हो, टीचिंग भी लगती है आपकी, वहां पर भी जाकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो, आप लोग इतना मेहनत करते हो तब जाकर के आपको डीएलएड की डिग्री मिलती है, बीटीसी की डिग्री मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि सरकार को आप लोग के परीक्षा पर निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय जल्द लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों हम लोग आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करा रहे हैं अपने चैनल पर। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके काम का होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों कल हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपकी जो
नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों के हैं, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से दूर करूंगी। तो कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, कल सुबह वो आपको मिल जाएगा। और उसमें जो इंटरव्यू को लेकर के बातें कही गई हैं, इसके अलावा जो टीचर्स के साक्षात्कार के बाद इसमें एक चीज और कही गई है, डेमो क्लासेस की बात की गई है। और साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि निजीकरण होगा स्कूलों का और टीचर्स की सैलरी कम मिलेगी, या फिर कुछ कुछ चीजें बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं जिसमें कि टीचर्स को अस्थायी तौर पर रखा जाएगा और स्कूलों का निजीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही ज्यादा डराने वाली चीजें आ रही है उभर करके, तो उन सभी को मैं कल क्लियर करूंगी। तो आप लोग प्लीज कल का वीडियो देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके काम का होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और आगे भी आप लोग जो भी न्यूज आती है आप लोग के रियलिटी से संबंधित, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आप लोगों के हित के लिए दोस्तों हम लगातार खड़े हैं और लगातार आप लोगों की बात को हम कोशिश करेंगे कि साथन तक पहुंचे। और ऐसे ही लगातार आप लोग भी मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे अपने लिए तो कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए, इसलिए आप बहुत जरूरी है कि आप लोग भी लगातार प्रयास करते रहिए, शासन स्तर पर अपनी बात को पहुंचाते रहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं आता शासन की तरफ से, और निश्चित रूप से पीएनपी जल्द ही कोई निर्णय लेगी, और जैसे ही कोई निर्णय आता है हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।